का इंपोर्ट दोगुना हो गया है, चीनी माल यहाँ पर आ रहा है, यहाँ की अर्थव्यवस्था बिगाड़ रहा है। आपने मोदी की नीतियां क्यों ऐसी बनाई हुई है जिससे कि चीन का व्यवसाय हमारे यहाँ बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट वहां नहीं जा रहा है, वहां से आयात कर रहे हैं, ये उनकी अर्थव्यवस्था को सुधार रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। राजा पटेरिया के मामले में मैं काफी धन्यवाद आपने इस बात को याद दिलाया। राजा पटेरिया गांधीवादी व्यक्ति है, राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति है, स्पष्ट वक्ता है, मेरे मंत्रिमंडल में सदस्य रहे, कभी भी इस प्रकार की हिंसक बयान को दे नहीं सकते। राजनीतिक बयान देने का हमारा अधिकार है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार संविधान में हमें मिला हुआ है। राजा पटेरिया ने तो कोई मच्छर के लिए मारा होगा तो प्रधानमंत्री की मारने की बात अलग कर दी। गोडसे की भाषा नहीं बोलते, गोडसे का विरोधी है और रहेंगे। वो एक बात सुनी, गोडसे को वहां महामंडल कौन कर रहा, आप मुझे बताएंगे कौन कर रहा महामंडल? मोदी को मारने की बात नहीं कही है, राजनीतिक बात कही है। कोई उनकी फिजिकल हार करने वाली बात नहीं थी। हाँ, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना हमें है, हम लोग उनकी राजनीति का विरोध करते थे और रहेंगे, करते रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस ने कल नोटिस जारी किया, उसे जवाब देंगे। राजा पटेरिया का कहना है कि एक बच्चा संघ में जाना चाहिए और एक बच्चा भजन करने आ सकता है। ये क्या प्रवचन कर रहे हैं? वो तो कहते हैं कि उनको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, बच्चे को चंदन लगाकर शिवलिंग पे रख दो तो पास हो जाओगे। अब ऐसी सूचना मिली भी नहीं है कि उनका बेटा ही बेटे का फेल फेल हो गया। ऐसा है, आज के कुछ हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। मुझे बताया गया कि भगवत कथा की भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल गए। अब ये कौन ने क्या कहा मैं तो नहीं कहूंगा, क्योंकि सभी हमारे सम्माननीय हैं, लेकिन वे पीठ पर बैठकर राजनीतिक भाषण करना ये वेदपीठ की प्रतिष्ठा के विपरीत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको काबू छोड़ेगा, वहाँ के रहेगी को और वहाँ के गढ़ा कोटा के भी जिससे हमारे पास आ रहे हैं, अभी जाऊंगा मैं किसी को नहीं छोड़ने वाले। बात है, मेरे 10 साल के कार्यकाल में एक भी भाजपा का नेता, एक भी भाजपा का मंत्री आज का और तत्कालीन विधायक ये बता दे उनके साथ दिग्विजय सिंह ने या कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय क्यों बता प्रमाण देने। आप कब तक एक्टिव रहेंगे? मैं तो आधी सांस तक एक्टिव रहूँ। भूपेन जी ने आरोप लगाया है कि पूरे कांग्रेस नहीं बची, किससे मिलने आ रहे हैं? ये तो चुनाव में बताएंगे कि और कितनी कांग्रेस जीतता है। आपने चुनाव लड़ने की बात कही, मैंने कहा है, उन्होंने कहा कि साहब चुनाव कौन लड़ेगा? हमारे पास सैकड़ों लोग लड़ने वाले और कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। ये जुमला तो नहीं साबित हो जाएगा? जुमला बात नहीं, मेरे पास तो कैंडिडेट अनेक है, उनमें से शर्त यह है सब अगर जैसा कि नगर पालिका में केस उन्होंने फॉर्म विड्रॉ करा ली, झूठे सच्चे आरोप लगाकर पैसा लेना देकर अगर ऐसी बात आएगी तो मैं तो हूँ। ये प्रिपरेशन तो 5 साल चलती है, ऐसा है हमारी प्रेजेंट चल रही है। कमलनाथ जी हमारे क्रांति अध्यक्ष है, वो पूरे दृढ़ता से काम कर रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन हो गए हैं संगठन के, उनकी गठन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा नहीं है, संगठन का चुनाव हुआ है,
और इसकी प्रक्रिया चल रही है, जल्दी जल्दी वहां खत्म हो जाए। ये बहुत ज्यादा निर्विरोध इस क्षेत्र में आपने देखा होगा कि चुनाव में निर्विरोध चयन हो गया, तो क्या लगता है कि मतलब लोगों की इच्छाएं खत्म हो गई चुनाव में? पैसा, पुलिस और प्रशासन, ये तीन पर से भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत के चुनाव में, जिला परिषद और जनपद में इन्होंने कब्जा किया है। डायरेक्ट इलेक्शन जाना हुए 70-75% सरपंच कांग्रेस ने जीत लिया है, लेकिन जिला परिषद और जनपद पंचायत में पैसे के दम पर लोग चले गए। दूसरा यही, भोपाल के जिला परिषद का तो मुझे मालूम है 10 में से 8 कांग्रेस की जीत गया है और उसमें 6 लोगों के वोट उन्होंने टेंडर वोट लगा लिए, यानी जो जीता जिला परिषद का सदस्य उसमें से 6 लोगों के वोट में उन्होंने वोट नहीं डाले, भाजपा के नेताओं ने वोट डाल दी। इस तरह की होगा तो कैसे काम है? भोपाल से लड़े थे लेकिन वहां से हारे, बात यह है कि मैं जिला परिषद के चुनाव की बात कर रहा हूँ। जहां तक मेरे चुनाव का सवाल है, भोपाल संसदीय क्षेत्र मेरा नहीं है, मुझे पार्टी ने कहा चुनाव लड़ने के लिए मिला। सर अभी, सर अभी जैसे मान लीजिए 23 के चुनाव होते हैं और उसके बाद जो भी परिणाम हो और उसके बाद अगर आप भी जो भी 22 गए हैं भाजपा में, तो वो कहने लगे कि हमारी आत्मा की आवाज है, हमें घर लौटना है, तब क्या करेंगे? उनकी आत्मा की आवाज अपने पास रखे और वही रहे। भूपेन सिंह जी का एक बात और कही, आप षड्यंत्र ऐसा है, अगर मुझे षड्यंत्र करना होता ना।